नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 3 पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आउटफिट्स। और इन आउटफिट्स में ब्लेजर इज द कॉमन थिंग। मुझे ब्लेजर्स यूज करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास काफी कलरफुल ब्लेजर्स हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आउटफिट्स आपके साथ शेयर किया जाए और आपकी भी किसी तरह से मदद हो जाए, क्योंकि ऑटम विंटर सीजन आ चुका है काफी देशों में और ये आउटफिट्स ऑटम विंटर अप्रोप्रिएट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो आउटफिट है उसमें मैंगो कलर का ब्लेजर यूज हुआ है और मेरे पास ऑलरेडी एक ओवर साइज मैंगो कलर का ब्लेजर, बेसिकली मस्टर्ड येलो कलर का ब्लेजर था, मैंने नेक से बहुत सालों पहले खरीदा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, काफी महंगा भी था, तो मैंने सोचा कि ये आउटफिट के लिए ये वाला येलो कलर का ब्लेजर अच्छा रहेगा। इसके साथ जो पिंटरेस्ट पे मैं इमेज रेफर कर रही थी वो मैं यहाँ डाल दूंगी। तो उसके अंदर उन्होंने ब्लैक कलर का हाई नेक का टॉप पहन रखा है और एनिमल प्रिंट की, या आप कह सकते हैं बेसिकली उन्होंने तो हाउंड टूथ स्कर्ट पहन रखा है जो कि विंटर्स में बहुत चलते हैं, तो उस तरीके की स्कर्ट पहन रखी है। आई क्वाइट लाइक द आइडिया, होल आउटफिट लुक सो गुड। आप विंटर सीजन में इसके साथ बूट्स भी पहन सकते हैं, चूंकि अभी ऑटम विंटर ट्रांजिशन टाइम नहीं आया है, इट्स टू अर्ली, तो मैं अभी इसको सैंडल के साथ ही पैर कर रही हूँ और मैंने इसके साथ अपनी सैंडल पहनी और पूरा आउटफिट मैंने अच्छे से एक्सेसराइज किया। बैग के लिए मैंने अपना स्टीव मैडन का बैगेट लिया जो मुझे बहुत पसंद है, आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में अब तक देख लिया होगा उसे। तो आउटफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, कलरफुल था। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स पसंद है तो ये बहुत अच्छा है और मैंगो कलर के, बेसिकली मस्टर्ड येलो कलर के अलावा भी आप काफ़ी दूसरे ब्लेजर्स इसके साथ पैक कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आउटफिट एंड आई कैन टोटली वेयर इट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। चलिए सेकेंड आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड आउटफिट इतना कूल था, इट वॉज टू यू नो समर अप्रोप्रिएट, पर उसे विंटर के लिए उन्होंने अप्रोप्रिएट बना दिया। तो उसमें उन्होंने एक वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना है और नीचे रिप्ड वाइड लेग जीन्स पहनी है और ऊपर से ऑरेंज कलर का ब्लेजर पहना है, वाइट क्रॉस बॉडी बैग लिया है और वाइट स्टैपी हील ली है। सो आपने देखा कैसे एक समा अप्रोप्रिएट आउटफिट को उन्होंने विंटर का टच दिया है बाय एडिंग ऑन अ गुड ब्लेजर। तो उसके हिसाब से मैं बात करूं तो मैंने अपना फॉरएवर 21 का स्पोर्ट्स ब्रालेट जो मैंने वाइट कलर का खरीदा था वो पहना, उसके साथ ज़ारा की रिब्ड वाइड लेग जीन्स मैंने खरीदी थी वो पहनी। आई एब्सोल्युटली लव दैट जीन्स, आई फील सो कंफर्टेबल, वो बहुत ज़्यादा रिब्ड है वैसे घुटनों पे, तो वो मैंने पहना। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा रिब्ड जीन्स सिर्फ वही है मेरे पास कि इतनी ज़्यादा फटी हुई है वो मैंने पहना। और उसके साथ मैंने बर्शका का ऑरेंज ब्लेजर पहना, ऑरेंज ब्लेजर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आई क्वाइट लाइक दैट कलर, बहुत प्यारा है और कम्फी भी है, इसलिए मैंने उसे पहना। और पाँव में मैंने अपनी स्ट्रैपी वाइट हील डाली, बैग के लिए मैंने मैक्स का क्रॉस बॉडी बैग वेयर किया और सनग्लासेस एंड एक्सेसरीज। सो एक्सेसराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे आउटफिट्स को, बिकॉज और बहुत अच्छा लगता है बेसिकली एक्सेसरीज ऐड करोगे आप तो, और खाली खाली नहीं लगता है, पूरा आउटफिट कंप्लीट लगता है। तो डेफिनेटली आपको एक्सेसरीज वेयर करनी चाहिए, बेसिक ईयर रिंग, नेक पीस, हाथ में वॉच डाली, तो ये सारी जो एक्सेसरीज है ना बहुत अच्छा लुक देती हैं, ओवरऑल आपका आउटफिट कंप्लीट लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सेकंड वाला आउटफिट कैसा लगा। मैं सच कहूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं अभी भी पहन के बाहर जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑटम विंटर ऐसा कुछ खास ठंड वंड नहीं पड़ती है, तो इट्स फाइन, आई कैन टोटली वेयर इट इन दिस सेप्टेम्बर मंथ एज वेल। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। चलिए तीसरी और आखिरी आउटफिट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैंने पहन ही रखा है, जस्ट आई फिल्म दैट आउटफिट जस्ट नाउ एंड तो उसमें क्या है, उसमें एक ग्रीन कलर का हाईनेक टॉप पहना हुआ है और ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी हुई है और ग्रीन कलर की कलर फैमिली उन्होंने यूज़ करके ये मोनोक्रोमेटिक लुक दिया अपने शरीर पे, और उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक पिंक कलर का ब्लेजर पहना है। पर्सनली मुझसे पूछो तो पिंक इज़ फाइन इस लुक के साथ, पर मैं डेफिनेटली वाइट ब्लेजर भी इसके साथ पहन सकती हूँ ताकि मैं वाइट कलर का बैग और वाइट कलर का शूज़ या सैंडल पहन सकूँ या बूट्स फॉर दैट मैटर, सो दैट्स वॉट आई फील। और फिर जो रेफरेंस पिक है उसमें मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी मिनिमलिस्टिक वे में एक्सेसराइज किया है, तो मैंने एक्सेसरीज थोड़ी सी हैवी लगी रखी क्योंकि मुझे मन कर रहा था, तो मैंने ये इयररिंग पहनी और मैंने अपने नेकलेस को ऐसा ब्रेसलेट पहना, इट्स लुकिंग सो कूल, तो ये मैंने पहना। और इसके अलावा मैंने
अपने कमर पे एक चेन डाली तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा लुक दे रही थी आउटफिट को। थोड़ा एजी लग रहा था मेरा आउटफिट और मैंने बाल ऊपर बन बना लिए क्लॉ क्लिप की मदद से, बिकॉज बाकी के दोनों लुक्स में मैंने अपने बाल खुले रखे थे, तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा बाल बांध लेते हैं। तो मैंने बाल बांध लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा, मतलब मेरी इयररिंग्स भी दिख रहे हैं, सो इट्स लुकिंग नाइस। और एक्सेसरीज के नाम पर आई केप दिस रिंग ओनली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने पाँव में ना सिल्वर कलर की सैंडल पहनी, क्योंकि जो रेफरेंस पिक मैं देख रही हूँ उसमें भी सिल्वर कलर की सैंडल है और उन्होंने सिल्वर कलर का बैग भी लिया हुआ, तो मेरे पास सिल्वर कलर का बैगेट बैग नहीं है, जो शोल्डर बैग कहते हैं वो नहीं है जितना मुझे पता है या याद आ रहा है। तो मेरे पास सिल्वर कलर की सैंडल जरूर से जो मैंने शीन से ली थी वो मैंने पहन के देखा, बट मेरे ऊपर संभव क्योंकि मेरे पास बैग नहीं है ना, सो इट वॉज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी। दैट्स वाई आई सेड कि गिवन अ चांस आप मुझे वाइट जूते या वाइट सैंडल पहनते हुए देखोगे इस लुक के साथ और वाइट बैग, सो दैट्स माय जैम रादर देन सिल्वर। आई वुड से इट वाज नॉट लुकिंग दैट ग्रेट ऑन माय स्किन इज व्हाट आई फेल्ट। सो ओवरऑल ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा था, बट या आई डिडंट लाइक द सिल्वर सैंडल लुक विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एजी आउटफिट। सो आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये आउटफिट कैसे लगा, विद सिल्वर सैंडल आप पहनते या फिर व्हाइट कलर के सैंडल में आप खुश होते, आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और आपको स्नीकर्स पसंद है या हील्स ये भी मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि इस लुक के साथ आप आराम से स्नीकर्स भी पहन सकते हो वाइट कलर के या फिर पिंक या ग्रीन, आप हर तरीके के इस तरीके के कलर फैमिली में जा सकते हो क्योंकि ये काफ़ी कलरफुल आउटफिट है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।